जी आपने बुलाया मुझे, इन्होंने मेरा बहुत खर्चा भी करा दिया। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं मुंबई ना ही आऊँ, दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, और इन्होंने बोला नहीं यार 4 बजे आना। मैंने इनको बता भी नहीं पाया कि मेरा बर्थडे है, तो फिर मैं क्या चलो मैं आ जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर आ गया तो बहुत सारे फ्रेंड्स कहते नहीं यार अब बैठे बैठे इन्होंने खर्चा करा दिया। बट गाना बहुत अच्छा है, एंड सोमी एंड दीपक दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं, और मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। लोतरज जी भी आ गए, शैलेंद्र जी का भी मैं फ़ैन हूँ, जीतू जी भी पहुँच चुके हैं। सो जब भी अनूप जी बुलाएंगे, यही है मुंबई की एक खास बात कि यहाँ सिर्फ रिलेशन चलते हैं, आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जब भी हम एक दूसरे को याद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सो अनूप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यू सैंग इट वेरी वेल। और सोमी एंड दीपक को मैं बिग बॉस से ही पहचानने लगा हूँ, और यकीन करो मैंने बहुत बिग बॉस देखा तुम्हारा, और कभी कभी तुम पे गुस्सा भी आता था और प्यार भी आता था, और दोनों इतने प्यारे हैं। एंड सब भी यहाँ बैठे हैं और पता नहीं श्रिंक हो गए दोनों, टीवी पे बहुत तगड़े तगड़े लगते थे। और लीना जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया, सो नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ एक गाना करूँगा, अनूप जी म्यूजिक कर देंगे जी। और जस्सी भाई हमारे बैठे हैं, दिल लगी गुरु गुजराती, और जैज़ वेरी टैलेंटेड। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनूप जी के आपने हमारे लिए, जैसे मैं अभी गूगल पे मेरी एज तो पता चली गई सबको कि 42 हो गया हूँ मैं, लेकिन आपने नया रास्ता खोल दिया मेरे लिए। जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं। अब ये बिग बॉस में चल गए, इट मीन्स कि मैं भी इनकी एज में बिग बॉस जाऊँगा, और मुझे भी कोई प्यारी जसलीन मिल सकती है। सो अनूप जी आपका मैं बहुत फैन हूँ, एंड तरज जी का भी, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल, एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा गाते हैं आप, बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं, और एंटरटेनमेंट तो ये उसके तो बात का है। नहीं ये सब पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है कि हम यहाँ भी खड़े हैं, और हम जेन्युइनली ये चीज दिल से फील करके बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने में खड़ा होने का अपना औकात नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ किया कि हम बिग बॉस में पहुंचे, और उसके बाद ये पूरा कैमरा ताम झाम लाइट फाइट बत्ती, अभी शाम में डिनर भी होगा, पत्नी आपको इनविटेशन है। मुझे कोई बुलाता नहीं, मैं तब भी पहुंच जाता हूं। लेकिन एड्रेस भी तो ठीक नहीं है। तो जब मैडम रीना मैडम ने जब फोन किया, और जब इस एल्बम के लिए मतलब वो हुआ, तो अंदर से बड़ा खुशी हुआ कि इंडिया तो छोड़ो बाहर से भी लोग फोन कर रहे हैं। और फिर एल्बम के लिए जब हम लोग गए, तो जेन्युइनली एक बात बताते हैं, हमारा तो चलो दिख रहे हैं हम लोग पर्दे पे, तो ये हो गया किसने एक्ट किया, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, करवाते हैं हमसे, और जो करवाते हैं सारे करता धरता वो होते हैं। आदरणीय हमारे सुनील सर जिन्होंने कैमरे के पीछे से जो मेहनत किया वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो चलो भाई तुम आपने बहुत अच्छा किया, पहली बार आप कर रहे थे, आपको कैसा महसूस, तो अपना हम लोग डीलिंग दे दिए कि अरे हो गया था। लेकिन जो सर जितना जितने शिद्दत से और जितने प्यार से सर ने हमको सिखाया, एहसास ही नहीं होने दिया। सर गलत भी करते थे ना, हम गलती भी करते थे, तो सर बोलते थे कि अरे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो दीपक, लग ही नहीं रहा कि पहली बार कर रहे हो, तो अंदर से मतलब अंदर से फील होता था कि यार एक्टर बन गया यार। फिर हमारे वो कोरियोग्राफर साहब मुस्कुरा रहे वहां से, सौरभ भैया, तो उन्होंने इतना मतलब डांसिंग वांसिंग का अपना, तो उन्होंने हम एक्चुअली वही हमको बताया कि तुम डांस कर सकते हो, और बड़ा अच्छा लगा। फिर जो भी कैमरे के पीछे थे उन्होंने इतना, जो हमारी पूरी टीम थी जो हमारे लिए दिन रात लगे रहे, जो जिन्होंने थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं होने दिया कि हम लोग नए कलाकार हैं, हम लोग पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को अपना बना के चल रही थी। और गाना सुन के तो मतलब मिजाज जो है ना वो सनक गया, क्या गजब लाजवाब गाना था, उसके लिरिक्स, उसके बोल, और हम कलाकार हैं तो उस गाने को हम, वो गाना हमारे आत्मा में उतर गया, तो करने में हमको बहुत 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 ज़्यादा मतलब खुशी हुई। और को स्टार भी बहुत अच्छी थी सोमी खान, तो उन और उनके लिए भी वो पहला प्रोजेक्ट था, हमारे लिए भी बहुत पहला प्रोजेक्ट था, और हम लोगों को इतना बड़ा मौका देना, तो हम लोग मना नहीं कर पाए। और शायद मैं भी नहीं, जेन्युइनली अगर कोई और कलाकार जो हमारे साथ होता
और अगर उनके साथ अगर हमको करना होता तो हमको थोड़ा वो फील होता और अंदर से निकलने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन लेकिन सोमी थी साथ में तो हमें मतलब कि जो भी एक्ट है करने में, और अगर कहीं हमको प्रॉब्लम होता था तो वो बहुत मतलब ये करती थी, और उनको होता था तो हम करते थे। तो बात बाकी क्या मतलब हंस क्या रहे, कौन हंस रहे, उनका उनका चेहरा ही हंसमुख है जी। ये फर्स्ट शूट था और सीरियसली नहीं पता था कैमरे पे कैसे वर्क करना है, कैमरे में कैसे देखते हैं, कैसे रोमांस करना है। हम लोग खुद ही आपस में ही शर्मा रहे थे कुछ शॉट लेने में, तो इसको नहीं आ रही थी शर्म। और फिर हम लेकिन रीना मैम ने काफ़ी बूस्ट किया और सुनील सर उन्होंने बहुत सिखाया, हमारे कोरियोग्राफर सौरभ उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें बताया कैसे देखना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे एक्ट करना है, तो रिजल्ट तो बहुत ही प्यारा है। काफी देर तक एक्चुअली जब हम स्कूल में थे तो हमने विशारद करी थी भरतनाट्यम में, और उसके बाद हमने फिर जो मेडिकल प्रोफेशन में आए इतने बिजी हो गए तो हमने छोड़ दिया, और जब हमने अपनी डॉटर को डांसिंग स्कूल में डाला तो हमने फिर शुरू किया था डांस करने के लिए बिना गिव अप किए। शूटिंग के दौरान जब कोरियोग्राफर सौरभ जी लड़कियों को डांस सिखा रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये सरगम में डांस कर दो, तो उन लोग कर रहे थे लेकिन कुछ जम नहीं रहा था, और मैं बैठ के देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि कैन आई शो यू द स्टेप्स, सो ही सेड व्हाई नॉट, कैन यू, आई सेड यस, एंड देन इन दैट सरगम आई शोड हिम द स्टेप्स, ही सेड कैन यू टीच मी, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही विल आस्क मी, एंड सुनील भाई सर विल आस्क मी टू डू इट, सो इट जस्ट हैपेंड, गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही हां बस। एक्चुअली गाना हम हर तरह का गाते हैं लेकिन नाम ज़्यादा भजन में हो गया, हम तो सबसे पहले जब पॉपुलर हुए थे तो गज़ल के एल्बम से हुए थे, उसके बाद कई फिल्मों में गाया, अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म में गाया था अक्षय कुमार की, अमिताभ जी के लिए गाया था नास्तिक में, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लता जी के साथ डुएट गाया, आशा जी के साथ गाया, सब कुछ, लेकिन फिर लोगों को भजन हमारे ज़्यादा भाग है और हमको भी अच्छा लगा तो हम ज़्यादा भजन फील्ड में अपना समय देने लगे, गज़लों में भी बहुत वक्त किया, उसके बाद कई फिल्में प्रोड्यूस करी, आप लोगों को मालूम है उसका क्या हश्र हुआ ये भी मालूम है, लेकिन किया है बहुत कुछ किया है, बड़े मज़े से किया है, और बिग बॉस में पहुँच गया है, जब बिग बॉस में गए तो और मज़ा आया, वो एक नई जिंदगी है, तरह तरह के लोग मिलते हैं और उन सब से दोस्ती होती है, वहीं पर दीपक ठाकुर मिल गए, खान सिस्टर्स मिल गई और भी बहुत लोग मिले, तो वहाँ से ही ऐसा लगा रहा था मुझे कि दीपक और सोमी ये दोनों कुछ कमाल करेंगे बाहर आके, और सच में कमाल कर दिया लोड बाहर आके, ये जो वीडियो है बहुत खूबसूरत बना है, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें दीपक खुद गाएं, क्योंकि दीपक तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो खुद गाना चाहिए, और जो सिंगर्स हैं उनसे आप मिल चुके हैं जो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दो और बहुत बेहतरीन हमारे मेहमान सिंगर्स यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ जस्सी जी हैं, जस्सी जी को सारा हिंदुस्तान जानता है, जैजिम शर्मा हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग कनाडा का टूर करके आए, हम और जैजिम के साथ हमने वहाँ परफॉर्म किया था, तो बहुत खुशी की बात है कि आज इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आए हैं और इस एल्बम को यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं, अभी कुछ ही मिनटों में मीका जी आ जाएंगे और मीका जी के हाथों फिर हम इसको विधिवत लॉन्च करेंगे, तो मैं रीना जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब इनकी वजह से ही है, इनके गाने से है, इनकी मेहनत से है, इनके जोश से है, इनके पैशन से है, और उसी वजह से ये तीन तीन एल्बम आपने यहाँ देख लिए, इतने खूबसूरत वीडियो देख लिए, और आगे भी ये करती रहेंगी इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार करती हैं संगीत को, बहुत संगीत में डूबी हुई हैं,
और कुछ हमने प्लान किए हैं कि हम कुछ इनके भजन भी आगे रिकॉर्ड करेंगे। शिमारू के साथ हमारे कुछ प्लान्स हैं काम करने के, जिसमें शिमारू जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोक स्टूडियो होता है, वैसे ही एक भक्ति स्टूडियो जैसा सेट होगा और उसमें इस स्टाइल में भजन गाए जाएंगे। तो उसमें भी नए खूबसूरत सिंगर्स आएंगे, उसमें रीना जी भी होंगी और लोग भी आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इसमें गाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गाना, राजस्थानी टच को लेके ये काम हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो रीना जी को मुबारक है और उसके बाद दीपक और शोमी को बहुत बहुत मुबारक है और आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड जो भी इस गाने से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रीना मेहता मैम, अनूप सर, और मुझे सबसे ज़्यादा जो इस गाने की अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि मैंने अनूप जी को जो उनका जो एक फोटे है, मतलब भजन वाला जो है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि मैं गाने हर तरह के गाता हूँ, लेकिन वो है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अनूप सर के लिए है इस गाने के लिए, क्योंकि उनका एक बिल्कुल ही एक अलग चेहरा और बहुत अच्छा जो मतलब इस गाने को लग रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, कंग्रेचुलेशन। एंड जो इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमेश मिश्रा सर, बैठे हैं आपके सामने, उन्होंने मुझे आलाप के लिए और सरगम के लिए चूज़ किया और मुझे बोला कि ये रिकॉर्ड करना है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताने वाले तो बहुत कुछ बता दिए, कुछ बचा नहीं है, बट मैं कुछ लिमिटेड सेंटेंसेस में अपनी बातें पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत रीना जी से ही होती है, तो मैं भी वहीं से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इस सॉन्ग को स्पेशली इन्होंने चूज किया। हम तो क्या है, हम शो कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ है हमारे पास, बट इन्होंने इस पर्टिकुलर गाने के डेप्थ को समझा, फिर इन्होंने इसको अप्रूव किया, फिर अनूप जी से हम लोग बात किए। तो अनूप जी तो कहना चाहिए जितना कहो कम है, मैग्नेटिव पर्सनालिटी, ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे बट वृक्ष हैं कि इसके नीचे अगर बैठो तो ठंडी छाया भी मिलेगी, खाने के लिए मीठे फल भी मिलेंगे और प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी मिलेगी।